नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर में न्यूमेरिकल्स। डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम ISMB 300 एट द रेट ऑफ 64.2। ये हम करेंगे। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम ISMB 300 एट द रेट ऑफ 50। इसका हमने निकालना है कि कितना लोड ISMB 300 ले सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है FY 250, FU 410, ये फिक्स ही है। ये तीनों प्रॉपर्टी फिक्स है, तो इसलिए ज़्यादा याद कर लीजिए। या तीनों प्रॉपर्टी फिक्स है या एग्जाम में दी होंगी। एरिया इसका जो है 56.26 है, ये स्टील टेबल से निकाला हुआ है। डेप्थ ऑफ द सेक्शन 300, जो ISMB 300 है वही डेप्थ होती है। विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये भी आपका स्टील टेबल से है, आप चेक कर लीजिएगा। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज TF इतनी है और थिकनेस ऑफ द वेब इतनी है। ये RXX इसका इतना है और RYY इतना। RYY हमेशा कम होता है। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। H/BF की वैल्यू ये आप देख सकते हैं। H/BF, H इज 300, BF इज 140, विड्थ ऑफ द फ्लैंज तो 1.2 के करीब है और TF इज 12.4 mm, लेस देन 40 है। ओके, तो ये सब वैल्यू है। और इस प्रकार से रेफर टेबल सात की, तो ये क्लास ए फोर, जैसे मैंने आपको बताया ISMB में हमेशा क्लास ए जेड की होगी, क्लास बी YY की होगी, तो हमें यही कंसीडर करना है क्लास बी वाला। ओके, RYY मिनिमम है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3000, तो इसने इफेक्टिव लेंथ सीधा डायरेक्टली दे दी। ओके, इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। इफेक्टिव लेंथ जो क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ उसने 3000 mm डायरेक्टली दे दी, तो हमें KL की वैल्यू ये 3000 आ गई। मतलब अलग से K की वैल्यू नहीं लगानी जब उसने इफेक्टिव लेंथ लिख दिया है, तो इसके लिए हमें और इसके लिए फैक्टर नहीं लगाना। फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर रेशियो हो गया KL/R। R ये जो है 28.4 mm में लिया है, क्योंकि KL लेंथ mm में लिया है, तो ये 105 आ गया आपका। और इसके लिए वही जो टेबल देखेंगे जो मैंने आपको दिखाई थी पिछले वीडियो सेक्शन में, दैट इज क्लास बी है। ओके, क्लास बी है और 105 के लिए, तो हमें 100 के लिए पता है, 100 के लिए 118 है और 110 के लिए 104 है। 100 के लिए 118 और 110 के लिए 105। ओके, तो ये देख लीजिए, 100 के लिए 116 और जो क्लास बकलिंग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, क्लास बकलिंग जो है हमारी, ओके, बी होनी चाहिए। ओके, हम इसमें तो देख रहे हैं, बी देख रहे हैं। और 100 के लिए 240 लेना है, इसे 240 लिया है इसने। ओके, 116 और 103। ओके, FY 240 लिया है, 116 और 203। ओके, तो आप इसने 240 के हिसाब से कर लिया, वैसे तो उसके हिसाब से 250 का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, चलो एनी वे इसको हम 240 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये आपको इंटरप्रेट करने के बाद, ये इंटरप्रेटेशन का फॉर्मूला 108 आ गया। FCD, ये FCD को अब एरिया से मल्टीप्लाई, 108 को हम ये इससे, एरिया हमारा इतना है, तो ये 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो आपको याद रखना है, ये इसका एरिया को भी 100 से मल्टीप्लाई करके mm स्क्वायर में लिखना है, तो ये लोड आ जाएगा न्यूटन में, तो ये आ जाएगा किलोमीटर। दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ISMB 300। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये फार्मूले के साथ किया, ये मैं आपको PDF लगा के दे दूंगा क्लासरूम में। तो ये, और इसके बाद उसने ये इसी सवाल को उसके हिसाब से किया है, क्या कहते हैं आपको वो ग्राफ के हिसाब से। एक तरीका ये हो गया अल्टरनेटली, ओके, दूसरा तरीका ये हो गया और तीसरा तरीका ये हो गया और एक चौथा तरीका तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चार तरीके से सवाल को निकाला गया। आपको जो भी दूसरा तरीका तो फार्मूले वाला है तो आप रहने ही दीजिए, क्योंकि तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती हैं। तो एक तरीका ये है, इसमें वही आपका
केएल निकल गया, ओके एफसीसी के लिए इसने पहले वो लैम्डा की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसने एक्स की वैल्यू निकाली और फिर दोबारा लैम्डा की वैल्यू निकाली और फिर एक्स की वैल्यू वहाँ से लेके टेबल उससे ग्राफ से वो उससे किया है, और ये जो वैल्यू है कि एक्स की वैल्यू उसने फिर टेबल से ली, और तो इसी प्रकार से उसने एक्स की वैल्यू को दो बार किया, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर वो टेबल से चेक किया और एक बारी ग्राफ से ली। ग्राफ से लेने के लिए आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसकी वैल्यू, तभी आप ग्राफ का यूज़ कर पाते हैं। तो ये लैम्डा की वैल्यू 1.1 निकाली, फिर उसने ग्राफ का यूज़ करके स्ट्रेस एफसीडी निकाली, एफसीडी इस केस में 109। ओके तो देखिए एफसीडी की वैल्यू सबके केस में ऑलमोस्ट बराबर ही आ रही है, इसमें आई, इस केस में आई 110 और हमारा जो पहला केस था 109 110, और इसमें हमने एफसीडी की वैल्यू निकाली थी टेबल के हिसाब से 108। तो 108 109 110, तो चारों मेथड से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं आप और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव लोड, मेन फार्मूला वही है मैंने जैसे आपको बताया, कंप्रेसिव लोड का फार्मूला आप याद रखिए, दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ। ओके इक्वल टू पी डिजाइन इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एफ सी डी इंटू ए। ओके दिस इज द केस, एफ सी डी निकालने के मेथड अलग है, फार्मूले से निकालो, टेबल से निकालो, टेबल से पहले तो इफेक्टिव लेंथ सिलेंडर रेशियो पता हो, सिलेंडर रेशियो पता है तो डायरेक्टली टेबल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका एक सिलेंडर रेशियो निकालो, ओके फिर एक लैम्ब्डा की वैल्यू निकालो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो ग्राफ से या टेबल से, वैसे भी कर सकते हैं। तो मेरा विचार है कि आपको जो है अभी तो टेबल से डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसको आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले निकालने की, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता कभी एग्ज़ाम में कि किस तरीके से करना। तो धन्यवाद, कीप वॉचिंग।